नमस्ते दोस्तों, आज हम लेज़र क्वेश्चन करना सीखेंगे। इस ट्यूटोरियल का मुख्य उद्देश्य आपको लेज़र क्वेश्चन की एजुकेशन देना है, और दूसरा हम देखेंगे कि स्पेसिफिक ग्रुप में कैसे अपने लेज़र अकाउंट्स हम रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके लिए आपको यह करना होगा कि जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो करना होगा। यह स्टेप्स तीन हैं। नंबर वन पे जो फर्स्ट स्टेप आएगा उसमें हम ओपन लेज़र क्रिएशन फॉर्म खोलेंगे। दूसरे स्टेप में हम उस अकाउंट्स को सूटेबल हेड के अंडर रखेंगे, और तीसरे में डिफरेंट जो फॉर्म्स होंगे लेज़र क्रिएशन के उसको एक्सेप्ट करते जाएंगे। इसी तीन स्टेप्स को हम अब डिटेल में सीखेंगे। प्यारे दोस्तों, फर्स्ट स्टेप जो है लेज़र क्रिएशन का है, इसमें पहले आप किसी भी कंपनी के गेटवे में जाते हो, वहाँ अकाउंट इन्फो, फिर लेज़र, फिर क्रिएट, उसके बाद वह फॉर्म खुल जाता है। इसमें नेम ऑफ अकाउंट्स लिखना होता है। जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन होती है उसके दो अकाउंट्स बनते हैं। पहली बार हर एक का लेज़र अकाउंट बनेगा, उसको एक स्पेसिफिक हेड्स के अंडर हमने शो करना है, क्योंकि यदि हम ऐसा ना करें तो हम सही फाइनल काउंट नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए जो राइट साइड में लिस्ट दी गई है उसमें से एक को चूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, तथा इसको आपने ध्यान में रखना है। यहाँ मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ जो अकाउंट्स की है, उसको मैंने डिफरेंट हेड्स में बांटा है। अलग अलग अकाउंट्स हैं, तकरीबन मैंने 22 अकाउंट्स लिए हैं जो आम जनरल ट्रांजेक्शन से संबंधित होते हैं। इनके सामने मैंने इनका हेड्स लिखा है, जैसे कैपिटल का कैपिटल के सामने, करंट एसेट है तो करंट एसेट के सामने, ऐसे ही डिफरेंट अकाउंट्स। जैसे ही पहली बार कोई ट्रांजेक्शन होती है उसी समय आपने उस का लेज़र क्रिएशन कर देना है, और उसको अंडर हेड डालना बहुत ही ज़रूरी है। इसको आप याद भी कर सकते हो। टैली आपको दो लेज़र क्रिएट करके देती है, एक कैश अकाउंट का और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। वह ऑटोमेटिकली होता है, पर यदि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है तो आपने अल्टर मोड में कैश अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखना है। इसके बाद जब आप यह सही हेड्स के बीच में जो उनका ग्रुप है जैसे ही अकाउंट्स लिख दोगे, उसके बाद थर्ड स्टेप उठाना है। हर एक लेज़र बनने के बाद आपने उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट के लिए टैली में सबसे राइट साइड में नीचे एक बटन है, एक्सेप्ट यस और नो। यस के लिए एंटर दबाओ। जैसे ही एंटर दबाओगे तो एक लेज़र क्रिएट हो जाएगा, तथा आप ऐसे ही डिस्प्ले में जाकर लेज़र के उनकी संख्या देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।